यदि आपने अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने हेतु SBI लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट चैन इंश्योरेंस प्लान ले रखा है या फिर लेने की योजना बना रहे हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, तो मेरे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि स्मार्ट चैन इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा और SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर के माध्यम से आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा, जिसकी सहायता से आप खुद कैलकुलेशन करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा होगा तो स्मार्ट चैन इंश्योरेंस प्लान में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट चैन इंश्योरेंस प्लान में जब आपके बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ मिलने लगता है। मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ 4 किस्त में दिया जाता है। जैसे ही आपके बच्चे की उम्र 18 साल होती है तो पहली किस्त के रूप में आपको आपकी बीमा राशि का 25% प्लस में आपने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उस पर मिलने वाला सिंपल रिवर्सनरी बोनस का 25% मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। इसी तरीके से जब बच्चा 19 साल का हो जाता है और 20 साल का हो जाता है तो आपको बीमा राशि का 25% और आपके द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम का जो भी सिंपल रिवर्सनरी बोनस बनता है उसका 25% मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। लेकिन जब आपके बच्चे की उम्र 21 साल हो जाती है और आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में चौथा और अंतिम किस्त दिया जाता है तो उसमें आपको आपकी बीमा राशि का 25% प्लस में आपके द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम पर मिलने वाले सिंपल रिवर्सनरी बोनस का 25% प्लस में जो भी आपका टोटल सिंपल रिवर्सनरी बोनस बनता है उसका 25-30% टर्मिनल बोनस होता है, जिसका भुगतान चौथे और अंतिम किस्त के साथ किया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में पहला 3 किस्त आपको एक समान राशि का मिलता है और चौथा अंतिम किस्त सबसे बड़ी राशि का मिलता है, क्योंकि अंतिम किस्त के साथ आपको टर्मिनल बोनस का भी लाभ दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख रुपए का बीमा राशि का प्लान ले रखा है, पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को बीमा राशि जो कि 10 लाख रुपए है उसका 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए प्लस में जो भी सिंपल रिवर्सनरी बोनस बनता है उसका 25% मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि यदि आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और आपका बीमा राशि जो भी हो तो आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस के वेबसाइट पर दिए हुए उस कैलकुलेटर पर जहाँ पर हम कैलकुलेशन करके चेक करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सभी के सामने SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट का वह पेज जिस पर हमें SBI लाइफ स्मार्ट चैन इंश्योरेंस प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और जहाँ पर हमें वह कैलकुलेटर दिया गया है जिसके प्रयोग से हम यह पता कर सकते हैं कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में हमें कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इस पेज को ओपन करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा नीचे आने पर एक कॉलम मिलता है जहाँ पर हमसे नेम ऑफ पेरेंट्स पूछा गया है। नेम ऑफ पेरेंट्स वाले कॉलम में हम पॉलिसी होल्डर का नाम टाइप कर देंगे,
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में हमें पॉलिसी होल्डर का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। उनका जो भी उम्र है उनके डेट ऑफ बर्थ को हमें यहाँ पर सही सही टाइप कर देना है। नेम ऑफ चाइल्ड वाले बॉक्स में हम बच्चे का नाम डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की उम्र 26 इयर्स है और बच्चे की उम्र 3 साल है, यानी कि स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान के तहत पॉलिसी होल्डर को 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना है और जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ मिलने लगता है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का है और पॉलिसी टर्म 18 साल का है। जेंडर वाले सेक्शन में हमें पॉलिसी होल्डर का जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और चाइल्ड जेंडर वाले सेक्शन में हमें बच्चे का जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है, लेट्स फाइनलाइज द पॉलिसी ड्यूरेशन यू आर कंफर्टेबल। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपकी पॉलिसी का पॉलिसी टर्म 18 साल है और प्रीमियम का भुगतान आपको केवल 15 साल तक करना है। अ लिटल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीमियम ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमसे प्रीमियम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है कि आप प्रीमियम का भुगतान कैसे करना चाहते हैं। हमारे पास सिंगल ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का ऑप्शन होता है, इसमें से जो भी ऑप्शन आपके पास है किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। यदि आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली करते हैं तो ईयरली वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। सम अश्योर्ड वाले बॉक्स में आपको बीमा की राशि को टाइप कर देना है, जैसा कि मैंने एग्जांपल 10 लाख के माध्यम से बताया था तो यहाँ हम बीमा की राशि को 10 लाख रुपये कर देते हैं। उसके बाद कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, हमारे सामने एक मैसेज आता है, इस मैसेज को हम क्लोज करेंगे और इस स्क्रीन में थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सम अश्योर्ड में हमें बताया गया है कि स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान में हमारी बीमा राशि 10 लाख रुपये है, प्रीमियम का भुगतान हाफ ईयरली किया जा रहा है और प्रीमियम का भुगतान 15 साल तक करना है। हाफ ईयरली प्रीमियम के रूप में 32,273 रुपये का भुगतान हो रहा है और जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो यदि हमें बोनस 4% के हिसाब से दिया जाता है तो कुल बेनिफिट 12,24,250 रुपये का होता है और यदि बोनस 8% के हिसाब से दिया जाता है तो कुल बेनिफिट 16,38,250 रुपये का होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान में आपको आपका बेनिफिट 4 भागों में मिलता है, तो यहाँ पर यदि बोनस 4% के हिसाब से मिल रहा है तो हम यहाँ पर जो राशि हमें दी गई है उसे 4 से भाग कर देंगे, जो भी रिजल्ट आता है उसके लमसम आपको मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान किया जाता है और यदि बोनस 8% के हिसाब से मिल रहा है तो 16,38,250 को 4 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा लमसम उसी के आसपास आपको मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान 4 किस्त के रूप में किया जाएगा। मिलने वाला परसेंटेज कम से कम 4% होता है और यह 4 से लेकर 8% कुछ भी हो सकता है। जब SBI लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट आपके पास आता है और आपको पॉलिसी के बारे में जानकारी देता है तो वह जिस अमाउंट के बारे में आपको बताता है कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको इतनी राशि का भुगतान किया जाएगा, उस अमाउंट को और इस कैलकुलेटर के माध्यम से जिसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी उसके माध्यम से कैलकुलेशन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह एजेंट जो आपको प्लान की जानकारी दे रहा है क्या आपको उन फायदे के बारे में जो पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको मिलेगा सही सही जानकारी दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है। यदि आप SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान के की फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी टर्म के बीच में आपको क्या बेनिफिट मिलता है इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप यह कैलकुलेट करना सीख गए होंगे कि स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान में जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा होगा तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा।
यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।